Assalamu alaikum, dear viewers, welcome back to my continued video class. जैसा कि हम कल parts of speech जो है ये हमारा topic था और इसमें हमने कल जो first part of speech है यानी कि noun ये हमने पढ़ा था, तो आज set induction करते हुए हम फिर से इसको दोहराएंगे. Noun. A noun is a word used to refer to people, animals, objects, substances, states, events, ideas, and feelings. A noun functions as a subject or object of a verb and can be modified by an adjective. तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने कहा, noun जो है ये किसी भी नाम, कोई भी naming word जो होता है, कोई भी नाम वाला लफ्ज़ जो होता है उसे noun कहते हैं. फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई ख्याल हो, चाहे कोई फीलिंग हो, वगैरह वगैरह, उस सब को जो है नाउन कहते हैं. और यही नाउन जो है फर्दर मॉडिफाई किया जाता है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं जो है एक एडजेक्टिव की सूरत में, यानी कि इसको इसके काम को अमला कर, किसी काम में अमला कर इसको जो है ये सिफत बनता है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. मिसाल भी मैंने आपको बताई थी कल और आज. आज हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो आज हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन. अब देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है. ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन और फ्रेज. तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि प्रोनाउन जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन और फ्रेज. ये किसी नाउन के बदले इस्तेमाल होता है या किसी मुहावरे के बदले में इसको हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट. मीन्स के आप, मैं, वो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इट, चाहे वो कोई जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए हम मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. अब हम इन प्रोनाउन्स को जो है इस्तेमाल करके देखते हैं ये कहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं. दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, है ना. क्या कहा गया है, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस. मीन्स के ये घर जो है ये हमारा है. दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, यानी कि अस, हम, यानी कि ये इसमें प्रोनाउन आता है. आई वॉन द रेस, आई वॉन द रेस. आई, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है नसीर. तो यहाँ पे मैं अपना नाम नहीं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि नसीर वॉन द रेस, मैं उसके बदले में इस्तेमाल करूँगा आई वॉन द रेस. उसके बाद तीसरी बात, द मैटर इज़ बिटवीन ओलिविया एंड मी. द मैटर इज़ बिटवीन ओलिविया एंड मी. हम ये भी कह सकते हैं द मैटर इज़ बिटवीन अब्दुल एंड मी, यानी कि जो ये मामला है ये मेरे और अब्दुल के बीच में है. तो यहाँ पे अब्दुल जो है वो नाउन है और मी यानी कि मैं अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, नाम की जगह पे मैं मी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि मी यहाँ पे प्रोनाउन है. तो इसकी और भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं, है ना, नदीम इज़ ए गुड बॉय. नदीम इज़ ए गुड बॉय. ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे. ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे. नदीम बहुत अच्छा लड़का है और वो रोज़ाना स्कूल जाता है. पहले जुमले में मैंने नदीम का नाम लेकर नदीम कहा और दूसरे जुमले में मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि नदीम इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे, मैंने कहा ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे. तो यहाँ पर ही मीन्स वो रोज़ स्कूल जाता है. तो वो यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन है, यानी कि नदीम की जगह पर मैंने ही का इस्तेमाल किया, तो ही यहाँ पर प्रोनाउन है. इस तरह आप बाकी सारी मिसालें भी समझ सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस पे जो है थोड़ा सा होमवर्क भी करें. उसके बाद तीसरा जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ द वर्ब. वो वर्ब है. अब देखते हैं बेटो वर्ब क्या होता है. ए वर्ब इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग. हाँ, जो वर्ब है ये इस्तेमाल किया जाता है, ये दोहराता है, ये जाहिर करता है किसको, इन एक्शन, किसी काम को, और ए स्टेट ऑफ बीइंग, या कोई किसी चीज़ के होने को, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए
उसे वर्ब कहते हैं, यानी कि उसे फाल कहते हैं, उर्दू में उसे फाल कहते हैं। आप समझ रहे हो बच्चों। इसकी भी कुछ मिसालें हैं हमारे पास, जैसे गो मीन्स जा जाना, राइट मीन्स लिखना, एग्जिस्ट मीन्स वजूद यानी कि मौजूद होना, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये वर्ब हैं, यानी कि जो किसी काम का करना होना जिसमें पाया जाता है। अब हम कोशिश करते हैं इस्तेमाल करने की। सोफिया इज थ्रोइंग द बॉल। हाँ, यहाँ पे सोफिया जो है ये नाउन है और ये एक काम कर रही है किसके साथ, बॉल के साथ। तो बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सोफिया जो है वो सब्जेक्ट है और एक काम हो रहा है यहाँ पे, वो काम क्या हो रहा है, थ्रोइंग फेंकने का काम हो रहा है, थ्रो करने का, THROW थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, फेंकने का काम हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा है ये किस पे हो रहा है, सोफिया कर रही है, किस पे कर रही है, बॉल पे कर रही है। तो सोफिया इज थ्रोइंग द बॉल मीन्स कि सोफिया बॉल को फेंक रही है, यानी कि एक काम हुआ है वो काम है फेंकने का, तो उस काम वाला वर्ड जो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे वो है थ्रोइंग मीन्स कि थ्रो, जो थ्रो है यहाँ पे वो वर्ब है, वो फाल है, यानी कि हम इजीली इस वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है ये वर्ब है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, और एक जो है बीच में वर्ब आता है। सब्जेक्ट, जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट होता है करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है, और बीच में जो काम होता है वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे जो है ये कहा गया है, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, ही मीन्स उसने क्या किया, कुछ किया, क्या किया, किसके साथ किया, जॉब ऑफर के साथ, यानी कि उसको कहीं पे काम का ऑफर आया है, भाई तुम काम करोगे, है ना। तो काम करने के लिए उसको कहीं ऑफर मिला है, नौकरी मिल रही है उसको, तो वो नौकरी मिलने के लिए उसने क्या किया, उस नौकरी को उसने एक्सेप्ट किया, हाँ उसने एक्सेप्ट करने का काम किया, है ना, यानी कि उसने उसको लेने का काम यहाँ पे किया है। उसके बाद तीसरा जो है, जो यहाँ पे एक्सेप्टेड जो है, एक्सेप्ट जो है इसकी सेकंड फॉर्म है एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट जो है यहाँ पे ये वर्ब है, ये फॉल है। तीसरा, द डॉग सैट बाय द विंडो। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है डॉग, सॉरी सब्जेक्ट है डॉग, और विंडो जो है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द डॉग कुत्ता सैट, कुत्ता कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सैट, सिट की सेकंड फॉर्म सैट, बैठने का काम कर रहा है, सिट मीन्स बैठना, सैट मीन्स बैठा है, कहाँ पे भाई, बाय द विंडो, खिड़की के साथ, कुत्ता खिड़की के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमें साफ जाहिर हो रहा है कुत्ते ने काम किया है, और क्या काम किया है इसने, खिड़की के पास के साथ इसने काम किया है, और वो काम क्या है कि वो बैठने का काम है, वो बैठा है, सैट। तो सैट यहाँ पे वर्ब है, सैट यहाँ पे फॉल है। आप समझेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये कल आपसे जो है रिकैप्चुलेट किया जाएगा, और आपको मैं होमवर्क के साथ छोड़ता हूँ। आप इस तरह के प्रोनाउन में से कम 10 वर्ड्स प्रोनाउन के और 10 वर्ड्स वर्ब के जो है आप कल अपनी नोटबुक पे लिख के जो है मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे वापस रिप्लाई करके आप जो है मुझे सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।